फयाज़ुल हसन चौहान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। मेंबर बनने के लिए वजारत की कुर्बानी देना होगी। पंजाब असम्बली के कवायद जवाबित ने फयाज़ुल हसन चौहान के अरमानों पर पानी फेर दिया। असम्बली रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या कहते हैं ये जानेंगे इखलाक बाजवा से। इखलाक बाजवा बताइएगा, फयाज़ुल हसन चौहान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते क्या? जी बिल्कुल सिदरा, सुबह ही वजीर इत्तला फयाज़ुल हसन चौहान की ख्वाहिश इसका इजहार किया था कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि पंजाब असम्बली के कवायद जवाबत के तहत कोई भी वजीर पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो 17 मेंबरान पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से हुकूमत के 9 और अपोजिशन के 8 मेंबरान शामिल होते हैं। कोई भी वजीर मासवाई वजीर खजाना के कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। वजीर खजाना की रुकनियत भी जो होती है वो ऑडिट पैरा के जवाबदेही के लिए होती है और वजीर खजाना पब्लिक अकाउंट कमेटी किसी भी रायशुमारी में बतौर वोटर हिस्सा नहीं ले सकता। सूबाई वजीर इत्तला फयाज़ुल हसन चौहान को पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बनने के लिए वजारत की कुर्बानी देना होगी, जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की स्वाबदीद पर है कि वो फयाज़ुल हसन चौहान को कमेटी का मेंबर नामजद करते हैं या नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका इखलाक बाजवा तफसीलात से आगाह करने के लिए।